भारतीय बाजार में 125 सीसी का कंप्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट देखा जाए तो काफी भरा हुआ है और जो टू व्हीलर कंपनियां हैं वो भी इस सेगमेंट में काफी ज्यादा फोकस करती हुई नजर आती है। इसी वजह से आप एक नहीं बल्कि दो दो बाइक्स भी किसी किसी कंपनी की देख सकते हैं। खैर, इन दिनों अगर कोई बाइक इस सेगमेंट में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है वो कोई और नहीं बजाज की CT125X है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ना इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा किफायती या कह सकते हो सस्ती मोटरसाइकिल है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हो NBT ऑटो और आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा इसी किफायती बजाज CT125X का एक डिटेल्ड रिव्यू। बजाज CT125X अगर आप देखोगे ना तो दिखने में आपको CT110X की जैसी ही नजर आएगी और इसमें दिया गया है ये जो हेलोजन हेडलाइट है और साथ ही दिया गया ये काउल, ये बहुत ही प्यारा नजर आता है। और ये जो ग्रिल आप देख रहे हो बेसिकली उतनी ज्यादा इस हेडलाइट की रक्षा ना कर पाए लेकिन थोड़ी बहुत तो करी देगी। इसके अलावा आप ऊपर की तरफ ये वी शेप LED DRL देख सकते हो और ये छोटा सा वाइजर काफी यूनिक लुक देता हुआ इसे नजर आता है। इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब देखने को मिल जाते हैं और साथ ही नीचे की तरफ आप आते हो तो जो सस्पेंशन हैं इन पर आपको फोर्क बूट्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर ये जो मडगार्ड आप देख रहे हो ये बेसिकली प्लास्टिक का है, कोई भी मेटल वगैरह कंपनी ने यहाँ पर यूज नहीं किया है। 17-17 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं और अगर आप टायर्स देखते हो, पहले तो आप अलॉय व्हील देख लो, ये जो डिजाइन है ना काफी ज्यादा यूनिक नजर आ रहा है। और जो टायर्स हैं अगर आप देखते हो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 110X है, उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल के इसमें डाल दी हैं। देखो, डाली तो है कुछ ना कुछ, लेकिन टायर्स अगर आप देखते हो तो टायर्स बिल्कुल अलग दिए हैं। आपको 125 सीसी इंजन के हिसाब से कंपनी ने इसमें टायर्स दिए हैं और इनका सेक्शन भी अलग देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क और अगर आप साइड प्रोफाइल देखते हो तो इसका जो व्हील बेस है ना वो आपको सेम जो CT110X है उतना ही देखने को मिलता है, 1285mm का। 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको सेम देखने को मिल जाता है, हालांकि सीट हाइट जो है वो आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसमें आपको मिल जाती है 810mm की सीट हाइट। इसके अलावा अगर आप सीटों की तरफ देखते हो तो ये काफ़ी अच्छी नज़र आती है, काफ़ी कम्फर्टेबल ये सीटें नज़र आती हैं। इजिली आप तीन लोग पीछे बिठा सकते हो, लेकिन तीन लोग बिठाने क्यों हैं, फिर भी अगर आप दो लोग जा रहे हो और आपके पास सामान है काफ़ी ज़्यादा तो वो इजिली इस सीट पर आ जाएगा। इसके अलावा टैंक की तरफ अगर आप देखते हो, जो टैंक का साइज़ है 11 लीटर का आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपको थाई पैड्स देखने को मिल जाते हैं। ये सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं लग रहे हैं बल्कि ये काम करते हुए भी अच्छे नज़र आते हैं, यानी कि आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल जाता है अपने पैरों पर। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो ये जो कलर है, ये जो ग्रीन और वाइट कलर के ग्राफिक्स जो नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। इसके अलावा 125X भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ इस पर नज़र आ रहा है। सीट के पीछे अगर आप जाते हो, यहाँ पर ये अगर आप देखते हो ग्रिप रेल्स, ये मेटल का मिलता है और यहाँ पर ये जो कैरियर है ये भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। बेस्ट पार्ट ये है, अगर आप नीचे इंजन की तरफ देखते हो ना, इंजन की तरफ नीचे आपको बेस प्लेट देखने को मिल जाती है और जो लेग गार्ड है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ऐसा इसलिए भी, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट से नज़र आ रहा है। तो ये जो आप ग्रिप देख रहे हो यहाँ पर लेग गार्ड पर, ये बेसिकली अब आप सोच रहे हो कि किस काम आएगी। खैर, अगर आपको बाइक उठा के इधर उधर कहीं रखनी है तो आप इसे ईजिली हाथ से उठा कर रख सकते हैं क्योंकि इस पर ना आपको पकड़ अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखते हो यहाँ पर एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो है, पहले तो आप यहाँ पर देख लो, फुटरेस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा जो मुझे इस मोटरसाइकिल में लगा है वो है यहाँ पर दिया गया सैडल स्टे। देखो, सारी गार्ड तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको हर बाइक में देखने को मिलता है, लेकिन सैडल स्टे ना सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप सामान वगैरह रख कर लेकर जा रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास दो सूटकेस हैं या दो बैग हैं तो एक इजिली यहाँ पर भी टांग कर बांध सकते हो और दूसरा यहाँ पर भी टांग कर बांध सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इतना ही नहीं, अगर आपने पीछे दो लोग बिठाए हैं, अगर उसका पैर यहाँ पर अगर मान लो उसके पास कोई सामान है अटैची है तो उसने एक यहाँ रखी है दूसरी यहाँ रखी है और पैर यहाँ पर आ जाएगा इजी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ओवरऑल देखा जाए ना, कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया है कि आप इस बाइक को चलाने के साथ साथ ना काफ़ी सारा सामान वगैरह भी इधर उधर ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रियर प्रोफाइल पर देखते हो तो यहाँ पर आपको बल्ब
टेल लाइट में देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पर बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। बाकी रियर जो टायर है उसका साइज़ सेम 17 इंचेस का ही है और इसमें अगर आप ड्रम ब्रेक देखते हो तो उसका जो साइज़ है वो 130 mm का देखने को मिल जाता है, जबकि बजाज की सीटी 110X में आपको जो ड्रम का साइज़ है वो छोटा देखने को मिलता है, यानी कि 110 mm ड्रम ब्रेक का साइज़ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको सेम वैसे ही लगभग देखने को मिल जाती हैं जैसे कि आपको 110X में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये जो स्विचेस वगैरह देखते हो ये आपको सेम वैसे ही देखने को मिल जाते हैं जैसे कि 110X में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको हेडलाइट का मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये सेल्फ स्टार्ट, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम, और यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर हॉर्न, ये हॉर्न की आवाज़ आप सुन सकते हो। बाकी यहाँ पर बीच में एक रबर की ये ग्रिप दी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप अपने साथ किसी छोटे बच्चे को आगे बिठाकर चला रहे हैं तो वो इजीली यहाँ पर इन्हें पकड़ सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है। हालांकि छोटे बच्चे अगर आप आगे बिठाकर चला रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इतना ही नहीं, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर कर रहे हो तो फीचर्स के तौर पर यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप इजीली अपना स्मार्टफोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये प्रॉपर एनालॉग देखने को मिलता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि भैया यहाँ पर इतना बड़ा साइज़ दे दिया है, बेसिकली कंपनी ने यहाँ पर डिज़ाइन तो अच्छा दे दिया लेकिन ये जो अगर आप इंस्ट्रूमेंट पैनल देख रहे हो प्रॉपर एनालॉग, ये काफ़ी भद्दा नज़र आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कंपनी को कुछ और इंस्ट्रूमेंट पैनल देना चाहिए था, कुछ डिजिटली वगैरह कुछ यूज़ करना चाहिए था, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनी ने यहाँ पर ये एनालॉग दे दिया है जो कि मुझे लगता है अगर आप कंपेयर करते हो किसी और बाइक से इस सेगमेंट की तो वहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है ये काफ़ी पुराना ओल्ड स्कूल टाइप नज़र आएगा। इतना ही नहीं, इस इंस्ट्रूमेंट पैनल में ना आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं मिलता जो कि मुझे लगता है जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा था ना तो उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहा था। और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले जो फीचर्स हैं वो तो आप भूल ही जाओ, खैर जो आपको दूसरी मोटरसाइकिल्स में देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इंजन की और इंजन में क्या कंपनी ऑफर कर रही है उस चीज़ को लेकर। जैसे कि आपको दूसरी वाली मोटरसाइकिल में एक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम वाली जो टेक्नोलॉजी है ना वो देखने को मिल जाती है ना, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलती। जैसे कि आप हीरो की बाइक्स में जो i3S इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप या फिर जो TVS की मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिल जाता है ना आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, वैसा आपको इसमें देखने को नहीं मिलता जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। खैर कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनी ने वो भी नहीं दिया है। अब बात करते हैं इंजन की, तो इसमें आपको 124cc का इंजन मिलता है जो कि 10.9 PS की पावर और साथ ही 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब ये जो इंजन है ना, अगर आप पावर आंकड़े कंपेयर करते हैं इस सेगमेंट की दूसरी मोटरसाइकिल से तो वहाँ पर इस इंजन की जो पावर है ना वो ज़्यादा दमदार देखने को मिलती है अगर आप ऑन पेपर देखते हो। अब चलाने के दौरान कैसी है आइए ये भी बता देता हूँ। बाइक चलाने में काफ़ी हल्की और स्पोर्टी नज़र आई। एक्सेलेरेटर करके अगर आप टॉप एंड पर लेकर जाओगे तो यहाँ बजाज पल्सर का टॉप एंड DNA देखने को मिलता है। इनिशियल पिकअप बढ़िया है, मिड रेंज में भी आपको बढ़िया टॉर्क मिल जाता है और टॉप एंड भी थोड़ा स्पोर्टी नज़र आता है। ऐसे में अगर आप जल्दी में हो या फिर गाड़ी के साथ थोड़ा मज़े लेना चाहते हो, भगाना चाहते हो, तो ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती। किसी भी RPM पर आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी, कम रफ्तार पर आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा, लेकिन 80 km/h से ऊपर अगर आप भगाने की कोशिश करोगे तो आपके हाथों और पैरों पर वाइब्रेशन फील होगा। अब गियरबॉक्स की बात करें तो 5-speed गियरबॉक्स मिलता है और इसके बारे में सबसे यूनिक बात तो ये है कि ये एकदम उल्टा है। इसमें सभी गियर्स आगे की तरफ मिलते हैं, यानी अप शिफ्ट करना है तो आगे गियर लगाना होगा और डाउन शिफ्ट करना है तो पीछे की तरफ गियर हटाना होगा। शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी इस गियर बॉक्स के साथ, लेकिन बाद में आप यूज टू हो जाओगे और फिर कुछ टाइम बाद कोई और बाइक चलाओगे ना तो दिक्कत फिर से वही फील होने लगेगी। वैसे तो गियर बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊंचे गियर्स यानी कि 4th और 5th में कभी कभार थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, आपको ऐसा लगेगा कि गियर कहीं अटक रहा है। राइड क्वालिटी की बात करें तो ये एकदम बढ़िया है, आप गड्ढे में भी कुदा दें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप
गांव देहात में चलाते हैं तो ये बाइक वहां सबसे बेहतर साबित हो सकती है। एर्गोनॉमिक्स बढ़िया है, आप राइड के दौरान आरामदायक अवस्था में बैठते हैं। अब ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक के साथ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो कि अच्छा खासा काम करता हुआ नजर आता है। अब आखिर में माइलेज की बात करें तो रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये गाड़ी आपको 55 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ऑफर कर देगी, वो भी आपकी राइड कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप चला कैसे रहे हैं। अब बात करते हैं बजाज सिटी 125X को खरीदा जाए या नहीं। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा किफ़ायती मोटरसाइकिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाइक के ड्रम ब्रेक वेरिएंट की कीमत जो है वो है 71,354 रुपये एक्स शोरूम, और डिस्क ब्रेक की जो कीमत है वो 3,200 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 74,554 रुपये। अब इस कीमत के साथ देखो, आपको फीचर्स तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम वो भी नहीं मिलेगा इंजन के साथ, लेकिन क्या चीज़ मिलती है जैसे कि आपने पूरे रिव्यू में देखा है, राइड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा दमदार देखने को मिल जाती है। इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। आप इजीली 80-90 किलोमीटर पर आर की रफ्तार पर भी अगर हाईवे पर दौड़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। ओवरऑल देखा जाए ना, ये बाइक आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका डेली का कम्यूट लगभग 40 से 50 किलोमीटर है और उससे ज़्यादा भी है तो आपको इस बाइक के साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। माइलेज भी आपको बेहतरीन मिल जाता है, जैसा कि आपको बताया लगभग आपको इस गाड़ी में 55 के आसपास माइलेज देखने को मिल जाता है अगर ऑन रोड आप टेस्ट करते हो। हालांकि कंपनी का क्लेम 62 किलोमीटर प्रति लीटर तक का है। और इतना ही नहीं, ये बाइक ना आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी लगती है, सिर्फ दिखने के हिसाब से ही नहीं चलाने के हिसाब से भी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि बजाज सिटी 125X का ना एक डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं।